अब बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा इलाके की, जहां पर स्थित गांव देवी इलाके में कुछ दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में दो मकान आ गए। चट्टान का गोलाकार हिस्सा गिरते ही मकान की दीवारें भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें मौजूद एक महिला की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग इस घटना में घायल भी हुए। इस घटना को बीते एक सप्ताह के आसपास हो चुका है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। स्थानीय लोगों के जहन में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है और उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि इस तरह की घटना की कभी भी पुनरावृत्ति हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सुस्त रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के हादसों को रोक पाने में शासन और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। पहाड़ की चोटी से पत्थर को रोकने का कोई इंतजाम अब तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर स्थानीय लोगों ने मुंब्रा बाईपास के रास्ते को ही बंद कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि यदि 7 से 8 दिनों में प्रशासनिक महकमे के अधिकारी यहां नहीं पहुंचे और यहां पर शासन की ओर से कोई ऐतिहासिक कदम नहीं उठाए गए, तो बाईपास पर किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। देखो अभी हम लोगों के रूम में अभी सील मारा गया है। एक सेकंड रुक जाना, मेरी बात पहला पूरा बोलिए बोलिए। अभी हम लोगों के घर पे सील मारा गया है। पत्थर कहाँ से आने वाला है? वहाँ से इधर से डायरेक्ट ऊपर आने वाला है। तो ये रोड का के लिए चालू रखे है, रोड पे से ही पत्थर आने वाला है ना। तो यहाँ गाड़ियाँ तो सब तो चालू है और हमारे घर को सील मार करके रख दिया है, तो हम लोग कहाँ जाने का? हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आज से 2 तारीख को ये हादसा हुआ। अभी रोड क्यों जाम किए आप लोगों? रोड हम लोगों ने इसलिए जाम किया है, वो जो बाकी के जो खतरे वाले पत्थर है उसको निकालो और हम लोगों को हमारा सील खोल के हम लोगों को आने के लिए दे दो। अच्छा, क्योंकि हम लोग आज 2 तारीख को ये हादसा हुआ है, 2 तारीख से हम लोग बच्चे लोगों को लेकर के पूरा बेघर हो गए। हम लोग कहाँ जाने का? हम लोग देखो, अरे बाईपास बंद करना ये कोई बड़ी बात नहीं। पत्थर आ रहे थे नीचे, लोग डरे हुए थे। पत्थर जब नीचे आते हैं तो खुली जगह पे जाने का आदमी सोचता है, खुली जगह कहाँ है? तो खुली जगह बाईपास है, तो लोग बाईपास पे पहुंचे। कोई इरादा नहीं था बंद करने का, लेकिन जान से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है ना, तो जान बचाने के लिए अगर कहीं भागे होंगे तो बाईपास पे भागे। पर लेकिन वो हमारी मोरे के घर की जो बहू गुजर गई, उसके बाद PWD ने कहा था कि हम तुरंत काम शुरू करेंगे, वो बेशरम लोग आए ही नहीं। क्या और लोगों के मरने का इंतज़ार कर रहे क्या? आप सोचिए कि ऊपर पहाड़ है और उस पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और नीचे आदमी रह रहा है, क्या वो सो पाएगा? अरे उसको बच्चे की बच्चे का डर, घर में जो बच्चे हैं वो सोया हुआ है, पत्थर आएगा तो क्या होगा? इस बेचैनी से माँ बहन सो नहीं रही है। और अच्छा, ये पुनर्वसन किसने किया? मैं आमदार नहीं था, मैं अगर आमदार होता तो ये पुनर्वसन नहीं कर देता। जिन्होंने पुनर्वसन किया वो पुनर्वसन करने का काम शासन का था, और उस वक्त कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, लेकिन इलीगल पुनर्वसन होता है क्या कभी? अब ये बात खुल के सामने आई है कि शासन ने गलती की है और शासन ने इलीगल पुनर्वसन कर दिया। लोग जान मुट्ठी में रह के जी नहीं सकते, वो बेचारी बर्तन मांग रहे। यहाँ पे यहाँ की हर औरत इसके आमदनी का साधन क्या है? तो यहाँ से उतरने का, नीचे जाने का, किसी के घर में बर्तन मांगने का और शाम को घर आने का, यानी दिन की कमाई रात को खाने में आती है। कोई रिक्शा चलाता है, जिस औरत की मौत हुई उसका पति टेलर है, बराबर है ना दाऊ? ये गरीब लोग हैं, मैंने बोल दिया है 8 दिन मोहलत देता हूँ, काम शुरू करो। अगर 8 दिन की सहूलत देता हूँ तो हाईवे चलेगा नहीं। ये गरीब लोग हैं, वो किसी के बाप से नहीं डरेंगे। अगर मौत पत्थर से आने वाली है
तो हाईवे पे आ जाए और मैं उनके साथ हूँ। क्या क्या बात हुई? ये नहीं तो क्या स्टेशन को जाते थे ना, खून का इसका पानी वहां डाल के जाते थे, उधर से आते थे ना, नाक दबा के चलते थे। कभी रोड था, क्या तुम्हारा रिक्शा आता था, क्या होता था, कुछ भी नहीं था। जब मच्छी मार्केट का बावड़ी में कितने लोग मरते थे, पड़ते थे, तो भी कुछ नहीं था। ये रोड पर तुम्हारा बाईपास हो गया ना, इतना छोटा था, बिल्डिंग हटा के वो डाउकरे साहब थे, जब भी थोड़ा हटा दे नेते लोगों के बंगले हटा दे, फिर से बढ़ा के बना दिए, एक करके और हुआ वैसा करके छोड़े। अभी सामने रोड बनाया, कितना चौड़ा लंबा रोड बनाया, चार चार गाड़ी जाती नीचे के रोड से, एक गाड़ी भी नहीं चलती थी रिक्शे में। उन्होंने मुंब्रा का उन्होंने नेचर